एक और नज़म में भी एक गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और खोल के समझाया है। यहाँ वो फरमा रहे हैं कि गुरु हयाते जमालो मका पे हावी है, कि गुरु हयाते जमालो मका पे हावी है। तो फरमा रहे हैं कि जो ये जो दुनिया है, जो टाइम और स्पेस और मैटर की बनी हुई है, ये दुनिया समय पे चलती है, ये स्पेस है और जड़ता से सब कुछ बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि गुरु हयाते जमालो मका पे हावी है, कि ये जो दुनिया है ये एक पूर्ण महापुरुष के ही उनकी ज्यूरिसडिक्शन में चलती है, कि उनके हुक्म से यहाँ सब कुछ होता है, कि जो कुछ भी यहाँ होता है वो उनकी रजा में हो रहा है। कि गुरु हयाते जमालो मका पे हावी है, गुरु मराहले हर ईना ओआ पे हावी है, कि गुरु मराहले हर ईना ओआ पे हावी है। वो कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में किसी से छोटी सी अनबन हो जाती है, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है एक दूसरे से, तो कहते हैं कि जो सदगुरु है वो हर एक चीज़ को समझते हैं, हर एक चीज़ उनकी समझ में है और उसको हल करने की भी क्षमता उनमें है, उनके पास तरीके हैं हर एक किस्म की प्रॉब्लम को हल करने के लिए। कि जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में लगी रहती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो घर में कोई हलचल हो गई, चाहे काम पर गए वहाँ हलचल हो गई, चाहे ड्राइव कर रहे हैं वहाँ हलचल हो गई, तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ इंसान को लगी रहती है। तो वो कहते हैं कि वो हर एक हमारी जो भी तकलीफ़ है उसको समझते हैं, उसको जानते हैं और उसका हल क्या है वो भी उनके पास है। और फरमा रहे हैं कि गुरु जमी ही पे क्यों आसमां पे हावी है। पहले तो फरमा रहे हैं ना कि टाइम स्पेस और स्थान, ये जो ज़मीन है ये उनके हुक्म से चलती है, तो फरमा रहे हैं कि गुरु जमी ही पे क्यों आसमां पे हावी है। तो फरमा रहे हैं कि वो इस लोक और उस परलोक पर भी हावी हैं, कि ये लोक और एक पूर्ण महापुरुष के हुक्म के अंदर ही ये लोक और दूसरा लोक, ये दुनिया और जो अंदर की दुनिया है वो भी उनके हुक्म से चलती है। और गुरु वो प्यार जो सारे जहाँ पे हावी है। तो एक पूर्ण महापुरुष सच में है क्या, उनके अंदर ताकत क्या है कि ये सब कुछ कैसे होता है, कि उनके अंदर प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम में ही वो ताकत है जिसके जरिए सारी सृष्टि चलती है। एक एक पूर्ण महापुरुष यहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, कोई किंगडम बनाने के लिए नहीं आते, वो हम सबके दिलों पर राज करने के लिए आते हैं, कि हमारे दिलों के ऊपर राज करें, हमारे दिलों में वो प्रभु के प्रेम को डाल सकते हैं। इसीलिए जो कोई भी मिलता है, जो भी संत दर्शन सिंह जी महाराज से मिला, वही कहता है कि मुझे संत दर्शन सिंह जी महाराज सबसे ज़्यादा प्रेम करते। तो उनके अंदर प्रभु का प्रेम इतना था कि वो हम सबको ये यकीन दिलवा देते थे कि वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उनके अंदर ताकत क्या थी, प्रभु के प्रेम की ताकत, वो यहाँ समझा रहे हैं कि गुरु वो प्यार जो सारे जहाँ पे हावी है, कि वो उसी प्रेम से सृष्टि रची गई, प्रभु ने सृष्टि प्रेम में रची, प्रभु ने चाहा मैं अकेला हूँ, मेरे प्रेमी हों, प्रेम से सृष्टि रच दी, और उसी प्रभु के प्रेम के ऊपर सारी सृष्टि चलती है। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ में आता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। हम प्रभु जो के प्रेम के महासागर हैं, उसी महासागर के हम बूंद हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, और उस प्रेम का हमने अनुभव करना है। हम पर मन माया के पर्दे चढ़े हुए हैं, इस करके प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि गुरु वो प्यार जो सारे जहाँ पे हावी है, कि
गुरु के अंदर प्रभु का प्रेम है, इसी करके वो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत कर सकते हैं और हम फिर प्रभु की ओर कदम बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। और आखिर में फरमा रहे हैं कि गुरु के दामने रहमत से मुत्तसिल हो जा। वो फरमा रहे हैं कि गुरु का जो दया मेहर का पल्ला है उसको पकड़ लो जाके, कि उनकी दया मेहर से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि गुरु के दामने रहमत से मुत्तसिल हो जा, कि उसको पकड़ लो, उनकी शरम में पहुंच जाओ, उनके उनकी प्रोटेक्शन में आ जाओ। खिरत को छोड़ दे ऐश्क और दिल हो जा। फरमा रहे हैं कि हम लोग जो हर एक चीज़ दिमाग से करते हैं, हम सोचते हैं हमारी इंटेलिजेंस बढ़नी चाहिए। खिरत दिमाग को कहते हैं, अकल को कहते हैं, सियानापन जिसे कहते हैं। वो कहते हैं उसको छोड़ दो, क्योंकि जितना ध्यान ज़्यादा दुनिया की ओर करोगे उतने ही प्रभु से दूर जाओगे। कि खिरत को छोड़ दे ऐश्क और दिल हो जा। कह रहे हैं कि तुम प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम भरा, उसको उमड़ने दो, उसको बाहर आने दो। अगर दिमाग से ही काम करते रहोगे तो प्रभु को कभी ना जान सकोगे, ना पहचान सकोगे, ना उन्हें पा सकोगे। क्योंकि प्रभु को पाना कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, कोई दिमाग से ना ही, ये समझने का काम है, ये अनुभव करने का काम है। क्योंकि जो प्रेम है, जो प्यार है, वो किसी किताब को पढ़ लिख के नहीं आ सकता, वो अनुभव किया जा सकता है, उसको सीखा नहीं जा सकता, ना सीखा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। लेकिन जिसको अनुभव होता है उसको होता है। तो हमें समझा रहे हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लेके जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव हो। तो प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे होगा? जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब भजन अभ्यास करेंगे। तो नामदान के दिन ये शिव नेत्री, ये दसवां द्वार तो हमारे सदगुरु ने खोल दिया, लेकिन कुछ मेहनत हमने भी करनी है उनके प्यार को अनुभव करने के लिए। अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं, उनके प्यार को अनुभव करने के लिए मन को शांत करना है, सिमरन करना है और भजन अभ्यास करना है, ताकि शरीर शांत हो, मन शांत हो, तो जो अंदर की दुनिया उसमें हम बढ़ पाएँ। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम इस धरती पर अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं। हम सब प्रभु को पा सकते हैं, हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में बढ़ना है। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे। और जैसे प्रभु का प्रेम का अनुभव करेंगे और खुशी मिलेगी। जब और खुशी मिलेगी और आनंद मिलेगा तो हम चाहेंगे कि उस अवस्था में और ज़्यादा हो, तो हम और अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो समय हम और निकालेंगे ताकि हम अभ्यास कर पाएँ।